सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी मौशी सूरत हाल से, जिसमें कुछ मजबूत खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि महंगाई जो है वो तो बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद कुछ अशारे हैं जिनका हम आज जिक्र करेंगे। तो अगर गुज़िश्ता साल का इस साल से मवाजना हम करें तो जहाँ सियासी बहरान कम होते नज़र आ रहे हैं, वहीं आने वाले दिनों में मईशत की बेहतरी के आसार भी नुमाया हो रहे हैं। ओपन मार्केट में रुपए की कदर मुस्तहकम होना शुरू हो गई है और डॉलर की कदर में एक बड़ी कमी आज हमने देखी। करेंसी डीलर्स के मुताबिक इस कमी की वजह गुज़िश्ता रोज़ स्टेट बैंक की तरफ से मजाज डीलर्स को क्रेडिट कार्ड की अदायगियों के लिए जो इंटर बैंक से डॉलर खरीदने की इजाज़त देना है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी एक बार फिर कमी की गई है। अगर देखा जाए तो हुकूमत ने भी सियासी मामलों से हटकर मौशी मामलों की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने जो ताज़ा बयान है उसमें ये कहा कि आइंदा माली साल के बजट में आवाम को रिलीफ और मौशी तरक्की को तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा सनअतकारों और सरमायाकारों ने भी मुल्की बरामदाद बढ़ाने के लिए मुफीद तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश की हैं। दूसरी जानब IMF स्टाफ लेवल मुहायदा जिस तरफ बढ़ने के लिए तीन मुतालबात और बजट है, जिनमें ज़र मुबादला की इंटर बैंक और आज़ाद मंडी की शरह तबादले के माबैन फ़र्क को ख़त्म करना है और गुज़िश्ता अदवार में जो रबा माली साल के नज़रसानी बजट फ्रेमवर्क फराहम करना है और बैरूनी फाइनेंसिंग का एहतमाम भी करना है। इसके बरक्स अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि हुकूमत ने IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम नामुकम्मल ही ख़त्म करने का एक फ़ैसला किया है, जबकि डिफ़ॉल्ट की अफवाहों को मुस्तरद किया है और इसहाक डार ने यह कहा है कि पाकिस्तान किसी सूरत डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। हुकूमत का मईशत की तरफ तवज्जो देना खुशाइन तो है नाज़रीन, मगर मुस्तकबिल के लाहे अमल के लिए हुकूमत पाकिस्तान को कौन से इकदाम फौरी करने चाहिए, आने वाला बजट मुल्की मईशत के लिए कितना तब्दील कुन साबित होगा और वज़ीर ख़जाना के फैसले कितने कारगर साबित होंगे, IMF डील का ऊँट किस करवट बैठेगा, होगी या नहीं होगी। मौजूदा प्रोग्राम 30 जून को ख़त्म हो रहा है, इसका 2 अरब डॉलर से ज़्यादा कर्ज मिलना बाकी है। क्या मौशी टीम ने IMF से पुराना मुआहदा ख़त्म करके नया कर्ज मुआहदा करने के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी हैं? क्या नया कर्ज मुआहदा मौजूदा प्रोग्राम से ज़्यादा सख्त होगा? तो इस सारी सूरत बात करेंगे। शब्बर जैदी साहब हमें ज्वाइन करें माहिर मौशियात, और खुर्रम शहजाद भी हमारे साथ हैं माहिर मौशियात, दोनों को हम वेलकम कहेंगे। सबसे पहले खुर्रम साहब, मैं आपसे बात करना शुरू करूंगी। ये जो हम देख रहे हैं बड़े अच्छे अशारे हमने आज देखे, हमने देखा कि डॉलर जो है उसकी कीमत कम हुई, रुपया थोड़ा मुस्तहकम होना शुरू हुआ, आपके ख्याल में ये एक आर्जी है मामला या कुछ सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है? और अगर हुकूमत ये सोच रही है कि जो अब कर्ज प्रोग्राम है उसको नामुकम्मल ही छोड़ दिया जाए, नया प्रोग्राम IMF से किया जाए, तो उसका क्या असर पड़ेगा और आगे आप सूरत हाल मौशी तौर पर क्या देख रहे हैं? जी देखें, बात यह है कि मुआहदा तो डेफिनेटली सख्त होगा, क्योंकि हमने पिछला वाला जो मुआहदा है वो पूरा नहीं किया है अभी, और उसमें भी 3 रिव्यूज़ बाकी हैं, और अब जून अप्रोच कर रहा है और जून का एंड तक जो है वो पिछला वाला जो प्रोग्राम है उसका एंड होना है। तो वैसे 2 सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, वो IMF के साथ इस प्रोग्राम को 2-3 महीने और एक्सटेंड कर दे, ताकि इस प्रोग्राम को एटलीस्ट पूरा कर लें नए प्रोग्राम से पहले, क्योंकि नए प्रोग्राम से अगर जाएंगे तो नए प्रोग्राम में IMF ये कहेगा कि आपने पिछली वाली जो है वो शराइत को पूरा नहीं किया, कुछ बाकी हैं शराइत, तो आप नया प्रोग्राम लेंगे तो उसकी शराइत और कड़ी होंगी और सख्त होंगी। इसलिए ये जो 3 रिव्यूज़ हैं इनका कंप्लीट होना ज़रूरी है, ये हो जाएं ताकि जो है हम आगे बढ़ सकें और नए प्रोग्राम की तरफ फिर डेफिनेटली फिर आगे जाएं, और जब ये रिव्यूज़ पूरे कर लें फिर हम आगे जाके नया प्रोग्राम लें, वो तो डेफिनेटली लेना पड़ेगा। लेकिन इसको पूरा करें, नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा नए प्रोग्राम पर, बहुत सख्त शराइत हो सकती है, तो इसे हम देखना पड़ेगा बहुत केयरफुली। सेकेंडली आपने कहा कि स्टेबिलिटी ऐसा सारी, देखें हम शॉर्ट टर्म में तो स्टेबल हैं, बट प्रॉब्लम जो है ना वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, यानी कि जुलाई के बाद जो 3-4-5 महीने हैं उसमें जो है हमने फिर रीपेमेंट्स भी करनी है अपने अगले साल की जो लोन्स हैं $25 अरब के, उसकी भी हमने रीपेमेंट करनी है, प्लस उसके अलावा हमें 5 से 8 बिलियन डॉलर्स चाहिए अपनी इकानमी को रन करने के लिए, और हमारे पास रिजर्व आपको पता है कि हार्डली जो है वो 4.5 बिलियन डॉलर्स भी नहीं है।
तो ये एक बड़ा चैलेंज है, इसे देखना होगा कैसे हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं, कैसे अपने खर्चों को कम करते हैं, कैसे अपने टैक्सेस को सही जगह लगाते हैं और महंगाई को कैसे कंट्रोल करते हैं। अभी महंगाई का नंबर आया है वो तकरीबन 1965 के बाद हाईएस्ट है। ऑफ कोर्स बीच में कुछ सालों में मंथली डेटा अवेलेबल नहीं है, बट कितने अरसे का हाईएस्ट नंबर है, 38%, बिल्कुल 38% पाकिस्तान में इन्फ्लेशन हो रही है और फूड इन्फ्लेशन तकरीबन 49% में पहुंच गई है। 76 साल का ये रिकॉर्ड है जो आज टूट गया है, ये बड़ा ही खतरनाक मामला है। थैंक यू सो मच खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया। आप सही कह रहे हैं, कर्ज प्रोग्राम है, अगर इसको रीन्यू किया जाता है या फिर इसको नए तौर पर किया जाता है तो फिर कितना सख्त होंगी शराइत, इसी पर बात करेंगे। शब्बर जैदी साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शब्बर साहब। जी शब्बर साहब, आप किस तरह देख रहे हैं, हुकूमत तो कह रही है कि अब हम सूरत हाल को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो नया अपर रैम अब ये करेंगे 30 जून को तो ये ख़त्म हो जाएगा और ख़बरें ये हैं कि नामुकम्मल ही छोड़ दिया जाएगा IMF का ये जो प्रोग्राम था, अब नए तौर पर डील किया जाएगा, तो शराइत कितनी कड़ी हो सकती हैं और ये रुपए की जो आज कदर थोड़ी बेहतर हुई है, ये आप इसको किस तरह देखते हैं, ये टेम्प्रेरी है या इस पर कोई पॉलिसी नज़र आती है आपको हुकूमत की? देखिए इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दो तीन बातों को आपने दो तीन सवाल किए हैं, मैं हर एक का अलग अलग जवाब दे देता हूँ। देखिए पहली बात तो ये जून का प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ, ये बहुत पाकिस्तान के लिए बड़ी तकलीफ देह बात है और परेशानी की बात भी है, क्योंकि अब आप बेसिकली IMF की सिक्योरिटी सिस्टम से निकल गए हैं और वो आपके प्रोग्राम में नहीं हैं, और अगर खुदा ना खास्ता कोई एमरजेंसी आती है तो वो आपके साथ नहीं खड़े हुए। तो ये एक बुनियादी चीज़ है, ये अच्छा नहीं है। दूसरी बात, मुझे तकरीबन यकीन है कि वो अगला प्रोग्राम सिर्फ उस गवर्नमेंट के साथ करेंगे जो अगले इलेक्शन में जीत कर आएगी, या जो भी नई गवर्नमेंट होगी वो शायद कोई कोशिश करेंगे कि वो उस प्रोग्राम को डेफर करें और उस वक्त लेकर आएँ जब एक स्टेबल गवर्नमेंट बन चुकी हो इस मुल्क के अंदर, शायद वो केयर टेकर के साथ प्रोग्राम करना पसंद नहीं करें, तो इस दरमियान में जो गैप आएगा वो पाकिस्तान के लिए बड़ा परेशान कुल होगा। तीसरी बात जो आपने कही वो ये है कि हम जो भी कुछ कह लें या जो कुछ भी कर लें, हम किसी भी हाल में अगर हम IMF प्रोग्राम में चले भी जाते हैं और IMF प्रोग्राम नया आ भी जाता है, उसके बावजूद भी हम अपनी बैरून मुल्क की जो अदायगियाँ हैं अगले साल की और उसके बाद की और उसके बाद की और उसके बाद की, वो करने की शक्ल में नहीं हैं। कुछ भी आप करते रहें ये अदायगी नहीं हो सकती और पाकिस्तान को अपने डेट का रीशेड्यूलिंग या रीप्रोफाइलिंग करना पड़ेगा। आप उस लफ्ज़ से अगर बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हैं कि आप उसमें लफ्ज़ डिफॉल्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उसका कोई और नाम रख लें, मगर ये वो चीज़ जो है वो इनएविटेबल है, उसको कोई भी ताकत, बाकी अलग बात है कोई मिरेकल तो हर जगह हो सकता है, मगर जो कैलकुलेशंस हैं उसमें ये किसी भी हाल में रीप्रोफाइलिंग के बगैर पाकिस्तान अपने खर्चाजात अदा नहीं कर सकता। लोकल साइड पर जो हमारी मीशत है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है आज का थोड़ा सा करेंसी का मूवमेंट है, ये हो सकता है कोई पॉजिटिविटी इसके अंदर हो, मगर मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ा कोई स्टेबलाइजेशन फैक्टर है, और ये इलेक्शनरिंग का थोड़ा बहुत सिलसिला हो सकता है, मगर पाकिस्तान के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा, और ये जो गवर्नमेंट है इनको बिल्कुल इनके कोई चीज़ इनके कंट्रोल में नहीं है, और जो कुछ भी हो रहा है वो या तो खुद ब खुद हो रहा है या वो उस जगह पे हो रहा है जो चीज़ बड़ी गहरी बात कर दी आपने। जी बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब, ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो होगी उससे तो कोई मुआहदा IMF नहीं करेगा, देखना ही होगा रवा साल 24 अरब डॉलर की अदायगियां हुकूमत कैसे करती है। एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन, और प्रोग्राम के हिस्से में मैं बात करूंगी कोर्ट की खबर, और कोर्ट की खबर में आज हम बात करेंगे ऑडियो लीक कमीशन, जिस पर हमने कल भी बात की थी, उसमें नई पेशरफ क्या सामने आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑडियो लीक तहकीकात के लिए कायम कमेटी की तशकील के खिलाफ एक दरख्वास्त आई थी, उस पर जो साबिक चीफ जस्टिस हैं सार, उनके बेटे की तलबी का समन जो है वो मुअत्तल किया है। मज़ीद क्या कुछ रहा आज समात में, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदे खसूसी ज़ुल्करनैन इकबाल। जी ज़ुल्करनैन बताइएगा, कल भी एक दरख्वास्त आई थी साकिब निसार के बेटे के हवाले से, आज उनकी तलबी का जो समन मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है, क्या कुछ हुआ आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में?
देखिए, जो हुक्मनामा 7 सफ़ात पर मुश्तमिल जारी किया गया, उसमें अहम बात यह है कि अदालत ने जो अदालती मुआवनीन हैं सीनियर वकला उनको मुकर्रर किए। एतज़ाज़ अहसन को कहा गया है कि वो इस इशू के ऊपर अदालत की मुआवनत करें। साथ ही साथ मखदूम अली खान जो एक इंतहाई सीनियर वकील हैं, मंजे हुए वकील हैं, वो साबिक अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, वो भी अदालती मुआवन मुकर्रर हुए हैं। रज़ा रब्बानी जो चेयरमैन सेनेट रहे हैं और एक मरूफ कानूनदान हैं, उनको भी अदालत की मुआवनत के लिए कहा गया है। साथ ही साथ मोहसिन शाह नवाज रंजा जो ना सिर्फ बैरिस्टर हैं बल्कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से पार्लियामेंटेरियन भी हैं, सरगोधा से रुकने असम्बली हैं, उनको भी अदालत ने बतौर अदालती मुआविन मुकर्रर किया है। और इन 5 सवालात फ्रेम किए गए हैं अपने तहरीरी हुक्मनामे में अदालत की जानिब से, जिनमें पहला सवाल ये है कि क्या किसी प्राइवेट शख्स की जो कोई भी वो काम करता है, इकदाम करता है, उसकी इंक्वायरी या उसकी इन्वेस्टिगेशन ये जो पार्लियामान है वो कर सकती है या नहीं, और क्या पार्लियामान के जो रूल्स हैं जो आइन के तहत फ्रेम किए गए हैं वो किसी निजी शख्स के मुतल्लिक किसी किस्म की इंक्वायरी की इजाज़त देते हैं या नहीं। साथ ही साथ एक सवाल ये भी किया गया है अदालत की से जो तमाम अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और मुआवनीन हैं अदालत के, उनसे कि क्या मौजूदा जो कवानीन है वो इजाज़त देते हैं कि किसी के टेलीफोन कॉल्स को टेप किया जा सके या उसके सर्वेलेंस की जा सके, और अगर इजाज़त देते हैं तो कौन सा इदारा है पाकिस्तान में जो ऑथराइज्ड है, जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो इन ऑडियोज़ को या किसी की जो टेलीफोन कॉल्स हैं उनको रिकॉर्ड कर सकता है। और एक सवाल ये भी है कि अगर पाकिस्तान के आईन और कानून में गुंजाइश नहीं है टेलीफोन कॉल्स को रिकॉर्ड करने की बगैर जो मजाज काम की इजाज़त के, तो ऐसी सूरत में कौन सा इदारा जिम्मेदार करार दिया जा सकता है ऑडियो रिकॉर्ड करने का और लीक करने का। ये वो आम सवालात हैं, बुनियादी नौयत के सवालात हैं जो साकिब निसार के बेटे बैरिस्टर नजम साकिब ने अपनी दरख्वास्त में उठाए थे, उनके ऊपर इन क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। और अब जो सीनियर तरीन वकला हैं पाकिस्तान के, जिनमें एतज़ाज़ अहसन है, मखदूम अली खान है, मियाँ रज़ा रब्बानी है और मोहसिन शाह नवाज रांझा, क्योंकि इनमें से 2 बड़े वकला हैं और 2 पार्लियामेंटेरियंस हैं, एतज़ाज़ अहसन खुद भी पार्लियामेंट का हिस्सा रह चुके हैं, वो भी इन तमाम तर जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है उससे भी वाकिफ़ हैं, जो अदालती कार्रवाई किस तरह चलती है उससे भी वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो ये लोग रहनुमाई करेंगे अब अदालत की और अपना अपना ओपिनियन, इंडिपेंडेंट ओपिनियन देंगे और दूसरे अगली समाअत इसकी कब होगी। और जाहिर है हम देख रहे हैं कि इसमें रोज़ाना एक नई चीज़ सामने आ रही है, तो अब अगली समाअत पर क्या मामला आगे बढ़ेंगे जुल्खन? देखिए, अगली समाअत के ऊपर ये जो तमाम अदालती मुआवनीन हैं इनको अदालत ने कहा कि या वो खुद आकर अदालत में दलाइल दें या फिर अपना तहरीरी मौकफ़ भिजवा दें। अच्छा। उनका जो भी मौकफ़ है, ज़्यादातर इम्कान यही है कि जो अदालती मुआवनीन होते हैं बेसिकली अमाइकस की उराई कहते हैं फ्रेंड ऑफ कोर्ट को, अदालत अपने तौर पर किसी वकील को मुकर्रर करती है कि इस हसास इशू के ऊपर, इस टेक्निकल इशू पर अदालत की मुआवनत की जाए। और वो मुआवनीन जो अपनी राय देंगे, नॉर्मली उनकी राय को अदालत हमेशा मुकदम जानती है क्योंकि वो किसी फरीक की नुमाइंदगी नहीं कर रहे होते, वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन अपना बतौर लॉयर दे रहे होते हैं। तो इनकी जो नुमाइंदगी होगी, जो इनका ओपिनियन आएगा, उसको डेफिनेटली अदालत वजन देगी और उसकी बुनियाद पर ही 99% हमने देखा जो माइकस की राय है उनकी जो इंडिपेंडेंट राय है वो ज़्यादातर अदालती जो फैसले हैं उनका बाइस बनती है। अब इनके जवाब आइंदा समाज के ऊपर आएंगे, उसके बाद जो दोनों फरीकैन के वकला हैं वो उनका जायजा लेकर वक्त लेंगे, उनको पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर अपनी राय देंगे, हतमी दलाइल होंगे और 2 से 3 समातों के अंदर ये मामला बाज़ाहिर कंक्लूड होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ थी कि हमने कल भी इस समात के हवाले से देखा था कि ऑडियो लीक का ये जो मामला था इस पर इसी तरीके के रिमार्क्स हमने कल भी कुछ इस तरह के देखे। जुल्खनैन, आपने कहा कि अब ये मुआविनीन जो हैं ये ना सिर्फ मुआवनत करेंगे, ज़रूरी नहीं होगा कि इनका पेश होना ज़रूरी हो, ये तहरीर तौर पर भी आगाह कर सकते हैं, तो क्या लग रहा है आपको, बहुत जल्दी ये मामला एक तरह से निमटने वाला है? देखिए, अदालती मुआवनीन क्योंकि ज़्यादातर अपना मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर देते हैं, बाज़ औक़ात वो खड़े होकर दलाइल भी देते हैं, जैसे मखदूम अली खान है वो नॉर्मली वो डिटेल में आर्गूमेंट्स करते हैं, लेकिन इसमें शायद वो इतने आर्गूमेंट्स ज़्यादा डिटेल में ना करें, एक आध हेयरिंग या तकरीबन 1 से 1.5 घंटा वो ले सकते हैं, तकरीबन 1 आध घंटे के करीब एतज़ाज़ अहसन भी लेंगे, तो आइंदा 2 से 3 हेयरिंग्स इसमें लगेंगे। बहुत शुक्रिया जुल्खनैन इकबाल, हमारे नुमाइंदे खसूसी हमारे साथ थे कोर्ट, और ख़ास तौर पर ऑडियो लीक कमीशन के हवाले से जिस पर आज अदालत ने एक अहम मामला जो है उसको कहा है कि अदालती मुआवनीन जिनको जिसमें एतज़ाज़ अहसन एक बहुत बड़ा नाम है, मोहसिन नवाज रंजा दीगर जो हैं वो मुआवनत करें। देखना ही होगा कि आगे किस तरीके से ये समात बढ़ती है, तो उस पर हम आगे आने वाले प्रोग्राम से बात करेंगे। फ़िलहाल शो का वक्त ख़त्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतजार था ना,
चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी नाम, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान, खुश रहो पाकिस्तान। बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।